अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट नंबर 2 का लेसन 1 2.1, जिस लेसन का नेम है इट्स कंट्री फॉर मी, ये मुल्क मेरे लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन की समरी पढ़ाऊंगी कि इस लेसन में ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो वैसे थीम में मैंने आपको इसकी शॉर्ट स्टोरी बताई तो है, और इसके राइटर हैं हमारे पास पेट्रिशिया डिमुथ, जिन्होंने ये ऐसे या ये स्टोरी लिखी है। तो इस ऐसे में बेसिकली बात हो रही है 13 से 14 साल का लड़का जॉयल है, उस जॉयल के ऊपर ये फुल स्टोरी है और उसकी डेली रूटीन बताई गई है कि किस तरह से वो बच्चा अपनी डेली रूटीन में काम करता है और वो गांव की लाइफ को बहुत पसंद करता है और किस तरह से वो अपने लाइफ गुजार रहा है गाँव में रहते हुए और किस तरह से वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है अपने गाँव में। तो अब मैं इसकी आपको शॉर्ट समरी पढ़ाती हूँ। In this story, the writer describes a boy called Joel was leads a connected life on the farm. इस कहानी में राइटर हमें बयान कर रहा है कि एक लड़का जिसका नाम जॉयल है, जो कि खेतों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और बहुत मज़े से गुजार रहा है और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा है। द फार्म वेयर ही लिव्स विद हिज फैमिली इज कॉल्ड द होलैंड फार्म। वो खेत जहाँ पर वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है, उन खेतों को होलैंड के फार्म कहा जाता है। इट इज़ 245 acres फार्म। ये तकरीबन 245 एकड़ के रकबे पर फैले हुए खेत हैं। इट वॉज बॉट बाय द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ जॉयल इन 1860। ये जॉयल के परदादा ने तकरीबन 1860 में ये सारे खेत खरीदे थे जहाँ पर अब वो रह रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग कई नस्लों से रह रहे हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जॉयल इसके अलावा और क्या क्या करता रहा है। बिसाइड स्टडिंग इन अ प्राइवेट स्कूल, जॉयल हेल्प्स हिज फादर एंड ब्रदर्स एट द फार्म्स। पढ़ने के अलावा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के साथ साथ जॉयल जो है वो अपने वालिद साहब की और अपने भाइयों की खेतों में मदद भी कराता है। ही लाइक्स फार्मिंग वेरी मच। वो खेती बाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द बार्न टेकिंग केयर ऑफ शीप। वो अपना ज़्यादा वक्त कहाँ गुजारता है? वो अपना ज़्यादा वक्त उनकी जो बार्न है, जो उनकी बाड़ है, उसमें गुजारता है। टेकिंग केयर ऑफ शीप, उसकी जो भेड़ें हैं, जो एनिमल्स हैं, फार्मिंग एनिमल्स हैं, उनका ख्याल रखते हुए अपना ज़्यादा वक्त गुजारता है, क्योंकि उसे खेती बाड़ी बहुत पसंद है ना, इसलिए। और जॉयल के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में। जॉयल इज़ अ टीनेजर बट ही डज दोज वर्क्स विच अडल्ट्स डू। जॉयल एक 13 से 14 साल का बच्चा है, लेकिन वो नौजवानों वाले तमाम काम करता है। ही नोज ऑल द टेक्निक्स विच आर नेसेसरी फॉर मॉडर्न फार्मिंग। वो जानता है कि वो सारी महारतें जो कि जदीद खेती बाड़ी के लिए जो जिनकी ज़रूरत होती है। ही नोज़ हाउ टू ऑपरेट मशीन्स। वो ये भी जानता है कि उन मशीनों को ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे है, उसको ये भी पता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है फार्मिंग में। ही इज़ मैकेनिक ऑल्सो। वो एक मैकेनिक भी है। ही नोज़ हाउ टू रिपेयर द मशीन्स एंड व्हीकल्स विच आर यूज इन होलैंड फार्म। वो ये भी जानता है कि वो उन मशीनों की और उन गाड़ियों की मुरम्मत कैसे करनी है जो कि हॉलैंड के खेतों में इस्तेमाल होती हैं, उसके फादर और उसके भाई जो इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि ही नोज़ ऑल दोज स्किल्स विच आर नेसेसरी फॉर रनिंग अ फार्म। वो तमाम महारतें जानता है जो कि खेतों खेती बाड़ी करने के लिए या खेत में काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो अपने बड़ों से सीख रहा है, अपने वालिद से और अपने भाइयों से। और इसके अलावा अब जॉयल क्या क्या करता है? खेती बाड़ी का तो आपको पता लग ही गया है। बिसाइड्स वर्किंग एज अ फार्मर, जॉयल स्पेयर्स टाइम फॉर रिक्रिएशन। खेतों में वो कहते हैं कि एक फार्मर के तौर पर किस काम करने के साथ साथ जॉयल जो है अपनी तफरी के लिए भी फारिग वक्त निकालता है। ही टेक्स पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। वो मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेता है। हिज फेवरेट स्पोर्ट्स आर दोज विच आर प्लेड आउटडोर्स। उसके पसंदीदा खेल वो हैं जो कि घर से बाहर खेले जाते हैं। ही हंट्स डियर एंड ट्रैप्स वाइल्ड लाइफ इन ऑटम। वो क्या करता है? हिरणों का शिकार करता है एंड ट्रैप्स वाइल्ड लाइफ इन ऑटम, और ख़िज़ा में जंगली जानवरों का पीछा करता है या उनके लिए जाल वगैरह बिछाता है। तो इस तरह के काम करके भी वो बहुत खुशी महसूस करता है।
मतलब अपनी आउटडोर लाइफ को भी वो फुली इंजॉय करता है फार्मिंग के साथ साथ। इसके अलावा और उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं या हॉबीज़ क्या हैं? ही प्लेज सॉफ्टबॉल एंड बास्केटबॉल इन स्प्रिंग। वो बाहर के मौसम में क्या करता है? सॉफ्टबॉल और बास्केटबॉल खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने भाइयों के साथ। वाइल वाटर स्कीनिंग इसके अलावा क्या करता है? पानी की स्कीनिंग करता है एंड फिशिंग इन समर और गर्मियों में मछलियां भी पकड़ता है। तो ये देखिए अब जॉयल के कितने सारी हॉबीज़ हैं, कोई एक हॉबी तो नहीं है उसकी, स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट करता है, मछलियां भी पकड़ता है और कितना कुछ करता है। जॉयल फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन वीकेंड्स एंड ड्यूरिंग द समर। जॉयल जो है ख़ासतौर पे वीकेंड्स में जब स्कूल से छुट्टी होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। ड्यूरिंग दिस डे ही वर्क्स आउटडोर फ्रॉम 8 to 15 hours, क्योंकि इन गर्मी के मौसम में वो घर से बाहर तकरीबन 8 से 15 घंटे तक काम कर सकता है। ही डज नॉट लाइक स्प्रिंग सीजन, उसे बाहर का मौसम पसंद नहीं है, बिकॉज इट ब्रिंग्स टू मच रेनफॉल, क्योंकि बाहर का मौसम जब आता है तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा बारिश लेकर आता है। बरसात में जब बारिश होती है तो उसे ये मौसम पसंद नहीं है, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो फिर अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं पूरी कर सकता ना, घर से बाहर जाकर प्ले नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्प्रिंग का जो मौसम है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोर ओवर इसके अलावा द स्नो मेल्ट्स ड्यूरिंग दीज डेज, और बाहर में बर्फ भी पिघलती है। मड कैन बी सीन एवरीवेयर मेकिंग वॉकिंग डिफ़िकल्ट। तो क्या हो जाता है जब बर्फ़ पिघलती है तो हर तरफ, और बारिश की वजह से और बर्फ़ पिघलने की वजह से हर तरफ हमें इस तरह कीचड़ नज़र आता है, जिसकी वजह से चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। द मेल्टेड स्नो, अब जो ये पिघली हुई बर्फ़ है, एंड रेन रेंडर एवरीथिंग अगली एंड ऑफुल, ये दोनों चीज़ें मिलकर हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बदसूरत और खौफनाक बना देती हैं। बस ये रीज़न है जिसकी वजह से वो स्प्रिंग का सीज़न उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो घर से बाहर निकलता है तो हर चीज़ बहुत गंदी और खौफनाक हुई होती है कीचड़ और मिट्टी की वजह से। द मेन एम ऑफ जॉयल इज़ टू बिकम अ फार्मर। जॉयल का सबसे अहम मकसद, सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो एक किसान बने। ही ट्राइज़ टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट फार्मिंग, वो क्या कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की खेती बाड़ी के बारे में। ही इज़ द यंगेस्ट ऑफ होलैंड्स 6 children, वो होलैंड के 6 बच्चों में से सबसे छोटा है। ही टेक्स कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू स्किल्स फ्रॉम हिज एल्डर्स, वो जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है इन लर्निंग न्यू स्किल्स, नई महारतें सीखने में फ्रॉम हिज एल्डर्स। एल्डर्स जो उसके बड़े भाई हैं या अपने वालिद साहब हैं, बड़ों से नई नई महारतें सीखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है और बहुत इंटरेस्ट शो करता है। इसके अलावा और वो क्या करता है? ही कैन ऑलवेज बी सीन डूइंग वन थिंग और द अदर, वो हमेशा से आपको कभी एक काम छोड़ते हुए और दूसरा पकड़ते हुए, मतलब हमेशा से आपको कोई ना कोई काम करते हुए ही आप उसे देख सकते हैं। ही गिव्स प्रेफरेंस टू कंट्रीज लाइफ ओवर सिटीज लाइफ, वो क्या करता है तरजीह देता है देहात की ज़िंदगी को शहरी ज़िंदगी पर, क्योंकि देहात ही उसकी ज़िंदगी है, वो यहाँ पर रहना पसंद करता है, उसने यहीं पर आँख खोली, पैदा हुआ तो यही उसकी लाइफ है। वो कहता है कि मैं शहर कभी भी नहीं जाना चाहूँगा, मैं हमेशा से देहात में ही रहना चाहूँगा। द ओनली प्लेस वेयर जॉयल वॉन्ट्स टू लिव इज़ द होलैंड फार्म, एक वो वाहिद जगह जहाँ पर जॉयल चाहता है रहना तो वो यही है, होलैंड के फार्म जो उनके अपने खेत हैं, अपने खेतों में ही वो हमेशा हमेशा रहना चाहता है। तो ये थी हमारी इस लेसन की समरी, इट्स कंट्री फॉर मी, जिसमें आप इस जॉयल के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से जो मैं आपको इस लेसन के एसे में पढ़ाऊँगी, तो समरी से आपको फुल स्टोरी तो समझ आ गई होगी। तो इसका फुल जो एसे है इससे आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लीजिएगा।